नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। LG LED TV में मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि पैनल में डिस्प्ले उल्टी आना, या स्पीकर प्रॉब्लम, या सेंसर प्रॉब्लम। तो उसमें से एक प्रॉब्लम है हमारी पैनल में डिस्प्ले उल्टी आना, तो उसको हम आज सेट करेंगे। तो देखते हैं उसको कैसे सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी LED है जिसपे मैंने यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल कर लिया है। सभी स्पीकर कनेक्शन और ये सभी कनेक्शन करने के बाद मैं आपको एक बार चेक करके दिखा दूं कि इसमें हमारी जो पैनल में डिस्प्ले आ रही है वो उल्टी आ रही है। ये हमारी LED सीधी रखी हुई है, देख सकते हैं आप, LED लिखा हुआ है, मैंने ऑन कर दिया है, LED हमारी ऑन हो चुकी है। और देख सकते हैं इसमें हमारा AV जो लिख के आ रहा है, यानी डिस्प्ले हमारी उल्टी आ रही है। देख सकते हैं AV नो सिग्नल, ये भी उल्टा लिख के आ रहा है। ये इधर की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसे हम सेट करेंगे। सेट करने के लिए इसके लिए भी हम मदरबोर्ड की फैक्ट्री सेटिंग खोलते हैं। कुछ लोग इसे फैक्ट्री सेटिंग बोलते हैं और कुछ लोग इसको सर्विस मीनू भी बोलते हैं। तो सर्विस मीनू इसका ओपन करेंगे। सर्विस मीनू मैंने इसका ओपन कर लिया है और इसके बाद हमें इसके पैनल में जाना है, पैनल एडजस्ट में। तो पैनल एडजस्ट मैं इसमें आपको सेट करके दिखा रहा हूं। पैनल मिरर है, ये ऑफ है, तो मैं इसको यहां पे कर देता हूं ऑन। तो पैनल मिरर मैंने ऑन कर दिया है और देख सकते हैं आप, इसमें अब सीधा लिख के आने लगा है। जैसे ही हमारी LED सीधी रखी है, वैसे ही हमारे AV नो सिग्नल सीधा लिख के आ रहा है। आपको इसमें मीनू ओपन करके दिखा दें, देख सकते हैं आप, इसमें सभी ऑप्शन जो इसके मीनू वाले हैं वो सीधे लिख के आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।